वेलकम टू आरसीआई एजुहब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सम विभव प्रश्न के बारे में। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम विभव प्रश्न मतलब ऐसा प्रश्न जिसके सभी जगह पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता हो, उसको हम बोलते हैं सम विभव प्रश्न। तो देखो डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसा प्रश्न या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, उसको हम कहते हैं सम विभव प्रश्न। जैसे मान लो अपने पास ये कोई प्रश्न है, इस प्रश्न के ऊपर हम बिंदु मान लेते हैं ए, बी, सी। तो अगर सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, जैसे मान लो ए बिंदु का भी विभव है बी ए के बराबर हो, बी बिंदु के विभव सी, इसके जितने भी बिंदु हैं सब पर अगर विभव है, तो हम ये बोल देते हैं ये सम विभव प्रश्न है। तो मान लीजिए सबका जो विभव है वो बी है, तो होगा क्या? देखो सम विभव प्रश्न से संबंधित कुछ गुणधर्म हम पढ़ेंगे, सम विभव प्रश्न के क्या क्या गुणधर्म होते हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सम विभव प्रश्न मतलब ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विद्युत विभव समान होता है, उसको हम कहते हैं सम विभव प्रश्न। अब हम कुछ बातें करते हैं सम विभव प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म या सम विभव प्रश्न के गुणधर्म। तो देखो पहला गुणधर्म यह है कि सम विभव प्रश्न के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सम विभव प्रश्न के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर आप बता दो भाई कितना होता है, विभवांतर मतलब विभव का अंतर, मतलब ए बिंदु के विभव और बी बिंदु के विभव का अगर हम अंतर करें तो देखो कितना आएगा, इसका विभव भी बी है, इसका विभव भी बी है, दोनों का अगर हम अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो। तो सम विभव प्रश्न के दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है, ये पहला गुणधर्म है सम विभव प्रश्न का। क्या क्लियर है क्या अपने को? ओके, उसके बाद है सेकंड पॉइंट ये है, अगर मान लो अपने पास कोई आवेश है Q, इस आवेश को मेरे को A से B तक ले जाना है, मुझे ये सम विभव प्रश्न है, इस पर कोई बिंदु A से बिंदु B तक मुझे आवेश को ले जाना है, तो देखो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। कार्य क्यों नहीं करना पड़ता है? तो देखो ध्यान से सुनो, आपने विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा था, विभवांतर VA माइनस VB ये हो जाता है WBA अपॉन में Q नोट, जो भी आवेश हम लगा रहे हैं Q नोट है, तो यहाँ पर Q नोट हो जाएगा। क्लियर है? देखो विभवांतर का मान जीरो होता है सम विभव प्रश्न पर, तो जो किया गया कार्य है वो भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो। तो ध्यान रखना सेकंड प्रॉपर्टी यही है, सम विभव प्रश्न पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अपने को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, बिकॉज सम विभव प्रश्न के दो बिंदु के बीच का विभवांतर शून्य होता है, जिससे कार्य भी कितना हो जाता है शून्य। सेकंड प्रॉपर्टी है सम विभव प्रश्न पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। लिख लेते हैं सम विभव प्रश्न पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो सम विभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा। क्यों होगा ध्यान से समझते हैं, एक और पढ़ लो जो अभी इन दोनों के एक साथ देखते हैं। चालक की जो सतह होती है, चालक की सतह सम विभव पृष्ठ होती है, सम विभव पृष्ठ होती है, मतलब किसी भी चालक के हर बिंदु पर विभव का मान हमेशा समान रहेगा। चालक की सतह पर, चालक की सतह सम विभव पृष्ठ होती है, मतलब क्या, इधर ध्यान से समझो। हमने पढ़ा था दो तीन वीडियो पहले, अगर हम बात करें दो तीन क्लास पहले की अगर हम बात करें, तो हमने गोली गोल या चालक गोले के कारण विभव पढ़ा था। वहां पर हमने सतह पे जो विभव आया था उसका फॉर्मूला था के क्यू बटे में कैपिटल आर, और अंदर भी जो विभव हुआ करता था चालक गोले में के क्यू बटे में कैपिटल आर ही होता था, मतलब सभी जगह अंदर और बाहर छोटी जगह पर जो विभव होता है चालक का वो समान होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो चालक होते हैं उनकी जो सतह होती है वो सम विभव पृष्ठ होती है, क्योंकि हर जगह पर उनके विभव समान रहेगा। क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें गोली कोष के कारण, मान लीजिए गोली कोष है जिसके हमने उस गोली को आवेश किया, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता था वो ऐसे होता है सभी दिशाओं में भारत की तरफ। क्लियर है भी? हालांकि अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है गोली कोष के वो जीरो होता है, विद्युत क्षेत्र इस टाइप का होता है। तो देखो यहाँ पर जो सतह है इसके लंबवत है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र है जो सतह के लंबवत है, यहाँ पर भी सतह के लंबवत है। तो ध्यान रखना हमेशा जो सम विभव पृष्ठ होता है वो उस पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा लंबवत होगा। अगर मान लो ये एक सम विभव पृष्ठ है ये वाला, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो उसके लंबवत ही रहेगा हमेशा इस टाइप से। क्लियर है? चालक की सतह जो होती है वो सम विभव पृष्ठ होती है, चालक की पूरी सतह के ऊपर विभव का मान समान होता है, इसलिए चालक की सतह है वो एक सम विभव पृष्ठ होती है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो सम विभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं देखते हैं। तो अगर मान लो दो सम विभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी जो कि संभव नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास एक समय प्रश्न ये है और दूसरा कोई समय प्रश्न ये है। अगर मान लो ये प्रतिच्छेदित करते हैं तो देखो होगा क्या, अभी अगर हम इस वाले प्रश्न को भूल गए थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर देखो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सतह के लंबवत होगा ऐसे, और दूसरा अगर प्रश्न इसको प्रतिच्छेदित करता है यहाँ पर, तो आप इस पहले वाले को अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए इसके अकॉर्डिंग जो विद्युत क्षेत्र है वो ऐसे आ रहा है। देखो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि कभी भी संभव नहीं होता है। क्लियर है? इसलिए ये ध्यान रखना अपने को कि दो सम विभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि संभव नहीं है। क्लियर है? अब हम और आगे डिस्कस करते हैं। ये पांच गुणधर्म है सम विभव पृष्ठ के जो सबको